हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइन एज द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। सिंपल सी डेफिनेशन है। थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइन एज द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। नाउ देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सच एज लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। When there is increase in length, it is called linear expansion। increase in area is called area expansion and increase in volume is called volume expansion. There are three types of expansion। अब बच्चों जितने ये expansion होते हैं उनके उतने ही इनके कोफिशियंट होते हैं एक्सपेंशन के। जैसे लीनियर एक्सपेंशन है तो अब हम इसकी डिग्री को कितना लीनियर एक्सपेंशन हुआ इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आइडिया ले सकते हैं। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको हमें इससे हमें किसी बॉडी में लीनियर एक्सपेंशन के बारे में आइडिया मिलेगा कितना लीनियर एक्सपेंशन हुआ। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिफाइन एज द increase in length per unit length per degree rise in temperature। ठीक है, अब देखिए अगर किसी कोई वायर है, कोई रॉड है, उसकी जो है इट्स ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू एल एंड इट्स इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल एंड
राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी, देन द वैल्यू ऑफ लीनियर कोफिशियंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय एल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, इट इज द लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक बात नोट करने की है बच्चों, द वैल्यू ऑफ एल्फा, द वैल्यू ऑफ एल्फा यानी कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ बॉडी एंड इट्स यूनिजेस पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इट इज डिनोटेड बाय बीटा एंड इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, नाउ इफ राइज इन एरिया ऑफ ए बॉडी, राइज इन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक है, एंड ओरिजिनल एरिया ऑफ बॉडी, ओरिजिनल और इनिशियल एरिया ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ए एंड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेल्टा टी, देन कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा, कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा इज गिवन बाय डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट्स यूनिट इज ऑल्सो पर डिग्री सेल्सियस, और पर डिग्री केल्विन, ठीक है।
अब बच्चों एक बात नोट करने की है, इट इज टू बी नोटेड दैट अल्फा एंड बीटा यानी कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, अल्फा एंड बीटा आर रिलेटेड एज एक रिलेशन, इनका फिक्स रिलेशन है क्या, बीटा इक्वल टू टू अल्फा, दैट इज बीटा इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा इक्वल टू टू अल्फा। ओके बच्चों, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इट इज डिनोटेड बाय गामा एंड डिफाइन एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इफ ओरिजिनल वॉल्यूम, इफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वी एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी एंड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी, देन कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज गामा इज इक्वल टू गिवन बाय डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गिवन बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। So these were three types of thermal expansion. Okay. तो बच्चों आप इन तीनों टाइप के थर्मल एक्सपेंशन को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इनको लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।